राम मंदिर निर्माण के लिए महाराष्ट्र से लकड़ियां जाने वाली हैं, जिस पर खुशी जाहिर करते हुए वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने इसे सौभाग्य की बात कही। तो वहीं उन्होंने बताया कि राम जी की कृपा से FDCM ने रिकॉर्ड ब्रेक मुनाफा कमाया है, जिसकी बदौलत हम सरकार को अच्छा डिविडेंड दे पा रहे हैं। तो वहीं आगे उन्होंने बताया कि 20 जनवरी को हम सियावर रामचंद्र की जय नाम से विश्व रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसके लिए लंदन से गिनीज की टीम भी आएगी। और प्रभु राम जी के आशीर्वाद से FDCM ने इस साल रिकॉर्ड ब्रेक मुनाफा कमाया और इस साल सरकार को भी हम इसके पहले जितना डिविडेंड महाराष्ट्र सरकार को FDCM ने दिया है उससे कई ज़्यादा FDCM डिविडेंड ये महाराष्ट्र सरकार को आदरणीय मुख्यमंत्री को हम आने वाले दिनों में देने वाले हैं। हमें ये अभिमान की बात है कि हमने वहाँ पे से अपना कास्ट भेजा है और वहाँ जितने दरवाजे या लकड़ी का काम हो रहा है वो हमारे विदर्भ के महाराष्ट्र की इस वीर भूमि के लकड़ी से हो रहा है और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा 22 का संबंध है तो 20 तारीख को हम चंद्रपुर में सियावर रामचंद्र की जय इस नाम से एक विश्व रिकॉर्ड कर रहे जिसके लिए गिनीज रिकॉर्ड बुक से बात हुई। उनकी टीम लंदन से आने वाली है और हमने तय किया जहाँ से हमारी कास्ट गया है वहाँ गिनीज रिकॉर्ड बुक भी बने और हम समझते हैं कि देश का प्रभु राम के मंदिर से जुड़ा हुआ ये पहला रिकॉर्ड बनेगा। उसके बाद फिर 22 को कुछ बनने वाले हैं। देखो रिकॉर्ड आपको 20 को सभी TV चैनल्स में हम दिखाने वाले हैं क्योंकि हमारे पास अभी और 7 दिन है, हमने बताया हुआ रिकॉर्ड और कोई करे नहीं, इसलिए 20 को आप सबको निमंत्रित किया जाने वाला है। ठीक है, हर कोई अपना निवेदन पेशकश कर सकता है, केस सामने रख सकता है और न्यायपूर्ण निर्णय होगा, तर्कसंगत निर्णय होगा, संविधान के चौकट में न्याय दिया जाएगा। ये होंगे ना सनातनी, निमंत्रण ठुकराना इसका अर्थ वो सनातनी नहीं है ऐसा थोड़ी होता। अब मैं नहीं जा पाऊँगा तो इसका मतलब मैं सनातनी नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। अपनी अपनी सोच होती है, कार्य की पद्धत होती है, कहाँ जाना। अब मैं बहुत बार भीड़ में नहीं जाता तो इसका मतलब मैं कोई अधार्मिक हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो महादेव जी का भक्त हूँ। तो शंकराचार्य ने नहीं जाना इससे सनातन का क्या संबंध है? सनातन इस देश का आत्मा है। सभी धर्मों के पहले सनातन धर्म ने, वो चाहे पर्यावरण हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में मानव ने अपने कौन से कर्तव्य पूरे करना चाहिए ये बात हो हमें सिखाई है। सनातन यानी क्या? बुराई सिखाना ये सनातन नहीं हो सकता। जबरदस्ती से धर्मांतर करवाने की बात करना ये सनातन नहीं हो सकता। किसी का बुरा सोचना ये सनातन नहीं हो सकता। सनातन का अर्थ है कि हमारी परंपरा ये बहुत ही अच्छी रही है, बहुत लोगों ने उसमें अच्छाई डाल दी।